दिल कमज़ोर होने के बाद उसे आर्टिफिशियल हार्ट का सपोर्ट दिया जाए और जब दिल ठीक हो जाए तो उस आर्टिफिशियल हार्ट को निकाल दिया जाए। ये ऐसा बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर है। और ये जो सफल ऑपरेशन है ये भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। डॉक्टर अजय कौल हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इसे किया है और वो मरीज भी मौजूद है जिस पे ये ऑपरेशन हुआ था। 56 साल के हैं, इराक से हैं। डॉक्टर अजय कौल हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ऐसा होता है कि मतलब आदमी का दिल कमज़ोर हो जाए तो एक आर्टिफिशियल हार्ट का सपोर्ट दिया जाए और वो भी बाद में उसे हटा कर वापस से उसके दिल के सहरीज को छेड़ दिया जाए। देखिए, जब पेशेंट का हार्ट, हम इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, जो टर्मिनल हार्ट फेलियर होता है, उसमें क्या होता है, हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो नॉर्मल पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है। जैसे नहाना हो, बाथरूम जाना हो, इवन बेड पे सीधा लेटना हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है, फिर हम इनको इवेलुएट करते हैं कि भाई इनको प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर ट्रीटेबल कॉज हो, जैसे वाल्व का प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि भाई इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है, नथिंग इज़ पॉसिबल, देन द ओनली ऑप्शन जो बचता है हमारे पास, वो हार्ट ट्रांसप्लांट बचता है। अब आप जानते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हार्ट मिलता नहीं है। अगर सालों साल आप वेटिंग लिस्ट पर रहेंगे तो हो सकता है कभी कोई हार्ट मिल जाए। क्योंकि ये हार्ट इतना इजीली अवेलेबल होते नहीं हैं, तो एक ये जो डिवाइस है जिसको हम एलवेट बोलते हैं, जो कि ये रखा हुआ, हाँ जी, तो ये एक आर्टिफिशियल मशीन टाइप की रहती है जो कि हार्ट को सपोर्ट करती है। और ये क्या करती है कि हार्ट जब बीट नहीं कर पाता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं दे पाता है, तो ये आर्टिफिशियल पंप होता है, ये रोटेट करता है और ये हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई, बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ये एक मैग्नेटिक लेविटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है, जो कि हम बुलेट ट्रेन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जो कि अपनी पटरियों से थोड़ा ऊपर चलते हैं। दिस इज़ अ हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी और उससे ये मशीन चलती है और इससे हार्ट को सपोर्ट होता है। अब हम ये एक्चुअली उन पेशेंट्स को किया जाता है जिनके लिए हार्ट अवेलेबल ना हो और ट्रांसप्लांट होने वाला हो, उनके लिए होता है। सो बाद में जब हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिल जाए तो उनको निकाल देते हैं। कुछ केसेस में रेयरली हार्ट इतना अच्छा हो जाए कि उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े और हार्ट खुद ही रिकवर हो जाए, इज़ एक्सट्रीमली रेयर। और वो इन पेशेंट के साथ हुआ है कि ही बिकेम सो गुड, इनका हार्ट इतना बढ़िया हो गया और हमने इसको बीच बीच में चेक करते रहे। आफ्टर मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे ठीक हो? अक्सर क्या होता है कि जब भी हार्ट में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, हार्ट को रेस्ट देते हैं, जो कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। सेंट्रीफ्यूग पंप होता है, एक्मो मशीन्स होती हैं, एक्मो आप बहुत सुनते हैं आजकल कोविड के टाइम में, तो हम इस पर हार्ट को सपोर्ट देते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक महीने के सपोर्ट में भी हार्ट वापस नहीं आता है। फॉर्चुनेटली इट्स अ नोन थिंग कि कभी कभी एक दो साल अगर आप हार्ट को सपोर्ट करें तो वो रिकवर हो सकता है, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज विच इज़ अ मिरेकल, इट डजंट हैपन दैट ऑफन। अपनी कंट्री को अगर देखा जाए तो इतने कोई पेशेंट्स हमारे पास, हार्डली 130-140 इम्प्लांट लगे होंगे, और ऐसा मिरेकल होना कि पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो गया इज़ एक्सट्रीमली रेयर। कितना कॉस्टली होता है ये कॉस्ट? करीब करीब इनको 80-90 लाख के बीच में टोटल प्रोसीजर का कॉस्ट होता है, फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। सर, तो कह सकते हैं कि इनका हार्ट पूरी तरह फंक्शनल है, एकदम नॉर्मल? बिल्कुल, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछले दो साल से ये अपने हार्ट पे चल रहे हैं और वो मशीन जो थी वो अंदर स्विच्ड ऑफ, ये मशीन जो है ये अंदर हमने स्विच ऑफ करके पड़ी हुई थी। अब ये चाहते थे कि चूँकि दो साल से पंप चल ही नहीं रहा, तो ये चाहते थे इसको निकाल दें। इसको पावर कैसे मिलता है? इसको पावर, ये इसका ड्राइव लाइन है और ये देखें अंदर तारे हैं इसमें, और ये एक बैटरी लगा के रखते हैं जो कि बेल्ट में लगाते हैं, और वो बैटरी चार्ज करते रहना पड़ता है और उससे ये चलता है। तो इस हार्ट के सहारे का अब उनका अपना हार्ट जो है वो ठीक हुआ और उसके बाद अब वो नॉर्मल जिंदगी जी पा रहे हैं। कैमरा मैन वरुण के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।